सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज से हम कोट की कटिंग शुरू कर रहे हैं। कई तरह के कोट होते हैं, डबल ब्रेस्ट भी होता है कोट, सिंगल ब्रेस्ट भी कोट होता है और बंद गले का भी कोट होता है, जिसको बहुत से लोग प्रिंस कोट भी बोलते हैं। तो हर तरह के कोट की कटिंग आज से शुरू हो जाएगी। आज से आप हर एपिसोड को ध्यान से देखिए, पूरा देखिए, आपको कोट की कटिंग बहुत आसान तरीके से और ऐसे फार्मूले से बनाऊंगा कि आप एक ही फार्मूले से किसी भी साइज का आप कोट काट सकते हैं। जब तक आप ध्यान से नहीं देखेंगे, पूरा नहीं देखेंगे, तो ये पूरा फार्मूले आपके पल्ले नहीं पड़ेगा, आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आज से कोट के जितने भी एपिसोड हो, उन सब को आप ध्यान से देखना, पूरा देखना। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, कोट की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। लंबाई 30, छाती 40, पेट 38, तीरा 18.5, इसकी बाजू 24 और गला 16.5। ये इसका मेजरमेंट है। इस मेजरमेंट पे हम कोट काटेंगे। तो सबसे पहले हम बैक काटेंगे। तो बैक के लिए हम ये 1.25 इंच नीचे एक निशान लगा लेते हैं। ये हमने 1.25 इंच छोड़ के लंबाई का निशान लगा लिया। 30 इंच लंबा कोट है, तो ये लंबाई 30 इंच, ये 30 इंच पे ही आप निशान लगाइए। अब इसकी छाती है 40, 40 का 1/4, ये हमारा 1/4 पूरा लेंगे हम। शर्ट में हम 1/4 से 1/2 इंच या 1/4 इंच कम लेते हैं, कोट में हम पूरा लेते हैं। पूरा इसलिए लेते हैं कि कोट में पैड लगते हैं, शर्ट में पैड नहीं लगते हैं। ये हमने ये पूरा ले लिया। अब इसका पेट का निशान देखिए। शर्ट में हम पेट का निशान दूसरे ढंग से लगाते हैं। यहाँ से लंबाई से और मुंडे के निशान का सेंटर करके 2 इंच ऊपर करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें एक्यूरेट निशान चाहिए। शर्ट में 1-2 सूत इधर उधर हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन कोट में फ़र्क पड़ता है। इसलिए हम क्या करेंगे कि ये जो हमारी लंबाई है, इसका हम यहीं की यहीं सेंटर करेंगे और 2.5 इंच नीचे जाएंगे। ये 2.5 इंच नीचे जाएंगे, ये हमारा 15 इंच सेंटर हो गया और 2.5 इंच हमने नीचे गए हम। बहुत से लोग 2 इंच भी नीचे लगाते हैं, लेकिन 2.5 इंच नीचे लगाने से एक्यूरेट हमें नाभि का निशान मिल जाता है। ये हमारा पेट का निशान हो गया, ये हमारा लंबाई का निशान हो गया। अब ये निशान पूरे खींच लेता हूँ मैं। अब इससे 1.5 इंच ऊपर, 1.5 इंच ऊपर हमारी जो बैक है, जो फ्रंट में जुड़ेगी, वो निशान हम लगा लेते हैं। ये 1.5 इंच ऊपर हमने एक निशान, ये भी हम निशान खींच लेते हैं। और ये 1/2 इंच का, यहां से ये 1/2 इंच एक निशान ले लेते हैं, यहां से 1/2 इंच और यहां से 1.5 इंच और ये 1.5 इंच। ये हमारी बैक की शेप होगी। हम यहां से ये सीधा निशान लगाएंगे। और इस शेप पट्टी से, ज्यादा शेप वाली पट्टी काम करेगी हमारी कोट के निशान में। और इससे हम ये इस निशान को, ये देख लेना हमारी शेप पट्टी कहाँ आती है, बिल्कुल एक्यूरेट इस निशान पे सीधी आनी चाहिए ये। और यहां से हल्की शेप से हमने इसको, ये यहां हमारी हल्की शेप है, ये हमने मिला देना इसको।
ये हमारी बैक की शेप होगी। अब इसका गला है 16.5, पांचवा हिस्सा। देखिए कोट हो चाहे शर्ट हो, गले का पांचवा हिस्सा ही चलता है, या छाती का आप 12वां हिस्सा लगा सकते हैं। उसमें ज़्यादा सरदर्दी होती है या फिर बहुत ज़्यादा छाती हो, 40 हो, 48 हो, तो उसमें हमें दिक्कत आ सकती है, वो फिर फार्मूला हमारा गलत हो जाता है। तो गले का पांचवा हिस्सा जो फार्मूला है, ये परफेक्ट फार्मूला है। किसी भी साइज़ में आप इसको फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका पांचवा हिस्सा कितना हो गया, 5 × 15, 1.5 इंच का पांचवा कितना हो गया, 3¼ सूत। ये 3¼ सूत ये हमारा, और 1 इंच हमने यहाँ से ऊपर लेना है, ये 1 इंच ये ऊपर लेना है। ये हमारी टीक बनेगी बैक की, ये हमारी बैक की टीक बन गई है। मैं बिल्कुल एक एक निशान आराम से बता रहा हूँ, आप आराम से समझ सकते हैं। ये हमारी टीक बन गई है। दूसरे लोग क्या करते हैं, 1 इंच की जगह यहाँ 2 सूत और बढ़ा के, यहाँ से ये 2 सूत और बढ़ा के टीक बनाते हैं। वो कई कोटों में तो ठीक हो सकता है, लेकिन बहुत से कोट जिनकी शर्ट पीछे जाती है, कई बार जिनका थोड़ा सा छाती आगे निकली हुई होती है, उसके लिए ये 2 सूत गड़बड़ करेगा और ये कोट पीछे चला जाएगा। मैं एक एक बात, एक एक पॉइंट आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। तो ये निशान आप मत लगाइए, आप सिर्फ 1 इंच की ही टीक बनाइए। अगर निकली हुई छाती का कोट है तो ये 1 इंच पे कोट पीछे नहीं जाएगा। अगर फ्लैट छाती है या आगे से मोटी छाती है, उसके लिए भी ना ये कोट पीछे जाएगा और ना ये इधर उधर जाएगा। तो 1 इंच की टीक ही ज़रूरी है। 1.25 इंच की टीक बनाना किसी किसी को ठीक आ सकती है, सबके लिए ठीक नहीं आएगी। अब हमने इसको डाउन कितना करना है, देखिए डाउन, अब हमने टोटल इसको 2 इंच डाउन करना है। 2 इंच डाउन में 1 इंच तो हमारी ये ऊपर टीक बन गई और 1 इंच का ही हमने ये निशान लगा लेना है। आप 1/4 इंच भी डाउन कर सकते हैं, ये 1/4 इंच का आप निशान लगा लीजिए। 1/4 इंच से ज़्यादा आप अगर डाउन करेंगे, जैसे बहुत से लोग 1.5 इंच डाउन कर देते हैं, वो अल्ट्रेशन आ सकती है। तो आप ऐसा काम कीजिए जिसमें अल्ट्रेशन के चांस बिल्कुल ना हो। तो ये 1/4 इंच हमने ये एक निशान लगा लिया है। अब इसका तीरा है 18.5, 9.25, यहाँ से हम 9.25 इंच लेंगे, ये 9.25 इंच, और 1/2 इंच का मार्जिन, ये 1/2 इंच का हम मार्जिन, यानी 19.5, 10.5, ये 10.25, 18.5, 1/2 इंच का दोनों साइड मार्जिन, 19.5, ये 10.5, 19.5 हो गया हमारा, ये 10.5, ये हो गया। अब हमारी इससे 1 इंच क्रॉस बैक कम आएगी, तीरे से हमेशा 1 इंच क्रॉस बैक कम आती है। तो ये दबाव समेत ही हमने यहाँ से लेना है, ये 10.5 है और यहाँ से हमने 9.5 इंच क्रॉस बैक लेनी है, ये हमारी ये क्रॉस बैक होगी। अब पहले हम इसको डाउन कर लेते हैं, उसके बाद हम इसकी हाफ बैक निकालेंगे। यहाँ से इस शेप से हम ये डाउन करेंगे, ये हमारा डाउन हो गया। अब क्रॉस बैक, ये क्रॉस बैक का निशान है हमारा। अब हाफ बैक हमने देख लिए कितनी लेनी है, ये हमारा 7/7 है, तो 3¼ सूत ये हमारी हाफ बैक होगी, ये हाफ बैक होगी। अब हाफ बैक इसकी कितनी आनी चाहिए, जैसे ये 1 इंच है, यहाँ से 1/2 इंच, इससे 1/2 इंच कम आनी चाहिए। 1/2 इंच कम कितनी होगी, ये 9.5 है, ये 9.25, ये 9.25, ये हमारी हाफ बैक आ गई। क्रॉस बैक 1 इंच कम होती है, हाफ बैक 1/2 इंच कम होती है, और ये तीरा तो होता ही है। अब इसको ये देख लीजिए, ये जो शेप पट्टी है, ये शेप आपकी जहाँ भी आती है, इस निशान से ये निशान मिलाएंगे तो ये जो हाफ बैक का निशान है, ये बिल्कुल ठीक आना चाहिए। अगर ये ठीक नहीं आता है तो आप या तो तीरे में गड़बड़ कर रहे हैं या फिर क्रॉस बैक का निशान लगाने में गड़बड़ कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल निशान पे आई है,
ये आपकी हाफ बैग बिल्कुल ठीक है। आप अगर हाफ बैग ना भी लें तो ये क्रॉस बैग से तीरे के निशान को आप ये ऐसे रखेंगे तो ऑटोमेटिक आपकी हाफ बैग निकल आएगी। यहां से हमने आधा इंच का मार्जिन लेना है, ये आधा इंच का मार्जिन हमने ले लिया। अब पेट, पेट है इसका 38। पेट का और हिप का क्या फार्मूला होता है, मैं हिप लिखना भूल गया हूं, इसका इसका हिप है 41, 40 छाती 41 हिप। अब हमने पेट का निशान लगाना है। अब पेट का निशान, पेट कितना है इसका 38 इंच। अब 38 इंच का 1/6 छठा हिस्सा तो कितना आएगा, 6 × 6 = 36 और 2, ये करीब 6.5, ये 6.5 आप और आधा इंच का मार्जिन, ये हो गया हमारा करीब 7 इंच, ये 7 इंच हो गया। ये हमारा पेट का निशान है। मैं पेट का निशान फिर दोबारा बता देता हूँ, पेट जितना भी हो उसका छठा हिस्सा आप ये बैक में पेट का निशान लगाइए, आधा इंच का दबाव, क्योंकि आधा इंच का दबाव हमने यहाँ भी दिया है। अब हिप, वही फार्मूला, यही फार्मूला हिप का है, हिप है 41 तो 6 × 7 = 42, 7 × 7.5, ये 7.5 और आधा इंच का दबाव 7.25, ये आपका हिप का निशान हो गया। बहुत से लोग क्या करते हैं, कि यहाँ ये जो निशान होता है उससे सीधा आधा इंच ज़्यादा या 0.25 इंच ज़्यादा रख देते हैं। वो भी तरीका ठीक है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है, आप वो भी तरीका आजमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास हिप का मेजरमेंट है तो आप उसी हिसाब से चलिए जिस हिसाब से आपका पेट का निशान लगा है। अब ये छठा हिस्सा है तो हिप का भी आप छठा हिस्सा प्लस दबाओ, तो ये करीब आपका 7.25 इंच ये आ गया। अब हम इसको, ये शेप को मिला देते हैं, ये आपकी, ये आपकी बैक कंप्लीट हो गई है। अब इसमें चाक, अब चाक कितना छोड़े आप, 7 इंच का भी छोड़ सकते हैं, 7.5 का भी छोड़ सकते हैं, 1.5 एक स्टैंडर्ड साइज होता है। अब यहाँ से आप 1.5 इंच ले लीजिए और यहाँ से आप 2 इंच ले लीजिए, ये आपका चाक हो गया। इसको थोड़ा सा आप ऐसे तिरछा निशान लगाइए और इससे 1 इंच ऊपर यहाँ से ये एक निशान और लगाइए, ताकि जो आप तलपट चढ़ेगा वो यहाँ तक सिलाई आने के बाद आसानी से तलपट चढ़ जाए। ये निशान इसलिए एक्स्ट्रा ऊपर लगाया जाता है कि तलपट में ये कपड़ा कम ना पड़े। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये आपकी बैक कंप्लीट कट गई। अब मैं इसका सामना काटता हूं, इसको हम उठा के रख देते हैं, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम सामना काटेंगे। सबसे पहले एक आधा इंच का एक हम सीधा निशान लगाएंगे, ये हमारा निशान हो गया। अब हम इससे बैक के निशान उठा लेंगे, ये बिल्कुल सीधी बैक होनी चाहिए, सीधी बैक होगी तभी आपका ये निशान उठेगा।
अब हम इन निशानों को कंप्लीट कर लेते हैं। अब लंबाई थी हमारी 30, हमने बैग 30 इंच काटी, इसको हम 1 इंच बढ़ा के काटेंगे तो ये लंबाई हम काटेंगे 31 इंच। 1 इंच हमने बढ़ा दिया है, ये भी निशान पहले लगा लेते हैं। ये हमारा सीधा निशान हो गया। अब हम इसकी छाती कितनी थी, 40। देखिए एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझाता चलूंगा, आप ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। अब ये छाती हमारी 40 है, ये 10 इंच हमारा 1/4, 1 इंच तख्ती का कम, और ये 0.25 इंच, ये हमारा सीधा डट का निशान जाएगा। अब ये कितना है डट का निशान, ये है 0.5। अब यहां से हम पेट पे 1 इंच कम लेके आएंगे 0.5, और यहां भी 1 इंच कम लेके आएंगे 0.5, और ये हम पहले यहां तक सीधा लगा लें, और यहां से हम सेब पट्टी से ये हम डट का निशान, ये हमारा डट का निशान हो गया। ये तख्ती का निशान है हमारा कितना हो गया, ये 9 इंच। अब यहां से भी हम 9 इंच ये तख्ती का निशान लगाएंगे, और इसका सेंटर हो गया 4.5, ये 4.5 इसका सेंटर लगाएंगे, ये 4.5 सेंटर, और इस निशान को इस निशान से हम हल्का सा ये निशान हम ये 4.5 ये निशान हम लगा देंगे, ये हो गया, ये हो गया हमारा सेंटर। अब इससे 0.5 इंच, ये 0.5 इंच इधर हम नपेल का निशान लगाएंगे, ये हमारी नपेल आएगी। अब नपेल कहाँ तक जाएगी, देखिए पहले हम यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं बटन बटन का, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हमारा ऊपर का काज, ये हमारा जो पेट का निशान है, यहाँ से हमारा ऊपर का काज आएगा, और ये लंबाई ज़्यादा है इसलिए हम ये नीचे का काज 4.25 इंच पे लगाएंगे। अगर ये लंबाई कम होती तो हम 4 इंच पे भी लगा सकते थे, अगर लंबाई ज़्यादा होगी तो 4.5 पे भी लगा सकते हैं। 4.25 पे हमने ये हमारा दूसरा काज हो गया। अब यहाँ से 0.5 इंच, ये 0.5 इंच ऊपर हमने एक निशान लगाया, यहाँ से हमारी नपेल इस निशान से इस निशान पे, ये हमारी नपेल हो गई है। मैं बिल्कुल आपको आराम से समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, एक एक पॉइंट को आराम से समझा के चल रहा हूं। अब जिस शेप में हमारी नपेल है उसी शेप में हमने ये हाले का भी निशान लगाना है, यहां से ये 1.5 इंच, ये 1.5 इंच पे हमने हाला उतारना है। अब यहाँ से हम नपेल कितनी उतारे, इसका गला है 16.5 इंच, 16.5 का हम यहाँ 5वां हिस्सा ही उतारेंगे, 5वां हिस्सा हमने बैक की टीक ली थी, 5वां हिस्सा ही हम यहाँ से नपेल उतारेंगे, तो ये 3.25 एक सूत, ये हमारी नपेल की डाउन होगी, और इस निशान से हमने इसको ये मिला दिया, ये हमारा हाला हो गया, ये हो गया हमारा हला। अब यहाँ से 1.25 इंच का, आप 1 इंच का भी ठोका बना सकते हैं, लेकिन 1.25 इंच का स्टैंडर्ड साइज होता है, 1.25 इंच का ये ठोका बना देंगे, ये हमारा 1.25 इंच का ठोका होगा, यहाँ से हमारा कॉलर चढ़ेगा, यहाँ से कंप्लीट हो गया। पहले ये नपेल कंप्लीट कर लेते हैं। अब ये कितनी चौड़ी लेनी है हमने, यहाँ से हम 3 इंच पे ले लेते हैं, 2.5 इंच एक सूत के करीब, ये हमारी तैयार रह जाएगी, और ये जो नपेल का निशान है इससे हमने
ये राउंड शेप में इस पट्टी, इस शेप पट्टी से ये हमने निशान लगाना है। ये हमारी नपेल कंप्लीट हो गई है। अब हमने कंधी कितनी डाउन करनी है, कंधी हमने 2 इंच डाउन करनी है। आप ज़्यादा कंधी डाउन ना करें कोट में, क्योंकि पैड लगते हैं। अब 2 इंच ये एक स्टैंडर्ड साइज होता है। अगर ये फ्लैट कंधे हैं तो आप 1.5 कर लीजिए, अगर ये मीडियम कंधे हैं तो 2 इंच कर लीजिए, अगर ज़्यादा कंधी हैं तभी आप 2.25 इंच इसको डाउन करिए, नहीं तो 2 इंच से ज़्यादा डाउन मत करिए। एक आध सूत कम रह जाए 2 इंच से कोई दिक्कत नहीं, 1.5 भी करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ये 2 इंच का हम पहले निशान लगा लेते हैं। ये हमारा कंधी डाउन का निशान हो गया। अब ये हमारी बैक है, और यहां से हमने इस निशान से ये देखना है कि हमारी कंधी डाउन कहाँ आ रही है। इससे हमने 3 सूत कम लेना है, क्योंकि ये हल्की सी 3 सूत की नम आएंगी। ये 3 सूत हमने यहां से कम लेना है, ये और ये डाउन कर देना है, ये डाउन कर देना है। और ये हमारा तख्ती का निशान, ये हमारा तख्ती का निशान है। यहां से 1 इंच ऊपर से हमने ये गोलाई शुरू करनी है। ये हमारी ये गोलाई आ गई, और यहां से इस शेप पट्टी से हमने ये इस 1 इंच पे हमने इसको मिला देना है। ये हमारा मुड्डा कंप्लीट है। अब यहां से 2 इंच, ये 2 इंच हमने लेना है। बहुत से लोग 1.5 भी लेते हैं। अगर आपको ज्यादा गोलाई चाहिए तो आप इसको 2.25 भी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा गोलाई चाहिए 2.5 भी ले सकते हैं, लेकिन एक 2 इंच का एक स्टैंडर्ड साइज होता है। ये 2 इंच की हम यहां पे गोलाई लेंगे, और इससे यहां से थोड़ा नीचे से ये हम ये हमारी सेफ होगी, और यहां से हमने ये हमारी गोलाई होगी, ये गोलाई होगी। ये हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। यहां से 1.5 इंच, ये हमने 1.5 इंच इधर लगा लिया निशान, हमारा जो तख्ती का निशान है उससे हमने 1.5 इंच इधर लगा लिया। ये 1.5 इंच इधर भी बनेगी, और ये 40 छाती है तो इसको कम से कम 4 इंच की वॉलिड हम लगाएंगे यहाँ पे, और इसका 4 का सेंटर हो गया 2 इंच, ये 2 इंच सेंटर हो गया। अब ये कितना है, 6 इंच। अब यहाँ से ये जो हमारा नीचे वाला बटन है, यहाँ से भी हमने ये हमारी यहाँ पॉकेट लगेंगी, ये ऐसे पॉकेट लगेंगी, और ये 6 इंच पे ये हमने एक निशान लगा लिया है। अब पॉकेट हम कितना लगाएंगे, 4.5 इंच पे हम पॉकेट लगाएंगे, ये 4.5 इंच पे पॉकेट होगी हमारी, और ये एक सीधी डट आएगी, ये हमारी वॉलिड का सेंटर, और ये डट यहाँ से, और ये करीब 2.25 इंच नीचे हमारी ये डट आएगी। आप 2 इंच नीचे भी लगा सकते हैं, 2.25 भी लगा सकते हैं, इसमें कोई फार्मूला वाली बात नहीं है। ये हमारी डट होगी, और ये हमारा पॉकेट का मुंह हो गया, ये हमारा पॉकेट का मुंह हो गया। जब ये डट आप डाल लें उसके बाद आप पॉकेट का निशान लगाइए। ये हमारा पॉकेट का पहला निशान है, यहाँ से 5.5, यहाँ हमारी ये हमारी पॉकेट होगी, और ये 2 इंच का, ये 2 इंच का फ्लैप हो गया। यहां से ये आपका फ्लैप राउंड जाएगा, और यहां से सीधा जाएगा। ये टोटल लंबाई आप जेब की तभी रखेंगे जब आप ये डट डाल देंगे, डट सिल देंगे। ये आपका ये भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास
ये वॉलेट का निशान लगा देता हूं मैं, वॉलेट का निशान यहां से आधा इंच ऊपर जाएगा और ये एक इंच। और यहां से एक इंच, ये आपकी वॉलेट होगी। अब जो सबसे जरूरी बात है कि हम कोट को लूज कितना रखें। देखिए, अगर तो टाइट फिटिंग कोट है तो आप 6.5 इंच की लूजिंग रख सकते हैं। अगर टाइट फिटिंग में 3-पीस सूट है तो आप 7 इंच की लूजिंग रखिए। अगर मीडियम फिटिंग में 3-पीस नहीं है तो आप 7.5 इंच की लूजिंग रखिए, और अगर 3-पीस है तो 8 इंच की लूजिंग रखिए। लूज फिटिंग में 3-पीस नहीं है, सिंगल कोट है, तो आप इसमें 8.5 इंच की लूजिंग रखिए, और अगर ये 3-पीस है तो इसमें 9 इंच की लूजिंग रखिए। तो ये 3-पीस है, मीडियम फिटिंग इसमें हम रखेंगे, तो मीडियम फिटिंग में 3-पीस में हम कितनी लूजिंग रखेंगे, 8 इंच की। अब 8 इंच की लूजिंग में हमने ये 4 इंच, ये जो हमारा सीधा निशान है, यहाँ से 4 इंच, 4 × 8, ये 4 इंच यहाँ निशान लगाना है, यहाँ सेंटर में भी, पेट पे भी 4 इंच का निशान लगाना है, और हिप का भी ये 4 इंच का निशान लगाना है। ये जो सीधा निशान हमारा है, इस निशान से ये मेजरमेंट होगा। अब हम इसकी बैक देख लेते हैं, कितनी है हमारी बैक। ये बैक है 9.5 इंच, तो यहाँ आप 9.5 लिख लीजिए, ये 9.5 इंच हो गया। ये है हमारी 7.5, ये 7.5 लिख लीजिए, और हिप है इसका, ये है 7.5 सूत, यहाँ आप 7.5 सूत लिख लीजिए प्लस 1 सूत। इस हिसाब से हमने इसकी लूजिंग देनी है। अब ये 9.5 है, अब 9.5 को आप यहाँ से पकड़िए, ये हमने 9.5 यहाँ रखा, और ये देख लीजिए ये 15.5 आ गया, 15.5। अब हमने 1 इंच की डट, ये 1 इंच डट का लेना है, ये जो 15.5 है इसको हम इस 1 इंच पे लेके आएंगे, और ये 20 इंच, 40 हमारी छाती है, तो ये 20 इंच, ये देखिए ये 20 इंच, ये हमारा छाती का निशान हो गया। अब ये पेट, ये है 7.5, अब ये 7.5 पकड़िए, इस निशान पर लगाइए, लूजिंग के निशान पर, और इसका पेट है 38, और ये यहाँ तक हमारी ये डट आएगी, जिसमें हमने सिर्फ 1/2 सूत का हम मार्जिन दे सकते हैं, ये 19 × 38, ये 1/2 थोड़ा सा मार्जिन यहाँ जो इसमें डट है, दबेगा इस डट में जो दबेगा वो 1/2 सूत का, ये हम ये मार्जिन रखेंगे। ये हमारा पेट का निशान हो गया। अब हिप, ये है 7.5, ये हमारा 4 इंच का निशान है, ये 7.5 यहाँ से पकड़िए, यहाँ रखिए, और ये हिप है इसका 41, तो ये 20.5। ये जो डट का निशान है, ये जो हमने 1 इंच यहाँ लिया है और आगे बढ़ाया, ये यहाँ नहीं बढ़ेगा, ना इसमें बढ़ेगा पेट पे और ना हिप पे, और ये हम पहले डट का निशान लगा दे रहे, ये डट का निशान यहीं तक आएगा, यहीं तक आएगा ये, और ये देखिए 1/2 सूत का ये फर्क है, उतना ही हमने यहाँ से बढ़ा दिया है। ये हमारा, अब ये जो है, देखिए बहुत ज़रूरी बात मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से हम 1/2 इंच, ये 1/2 इंच, ये हम पेट की डट निकालेंगे, चाहे कस्टमर का पेट हो या ना हो, ये डट निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डट हम नहीं निकालेंगे तो जब आप कोट पहनेंगे और ये बटन लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसे रिंकल आ जाएंगी, ऐसी सलवटें आ जाएंगी, यहाँ तक ऐसी सलवटें आ जाएंगी।
ये हम डट निकालेंगे, ये मुड्ढा नीचे जाएगा थोड़ा सा, नीचे जाने के बाद ये सलवटें आपकी निकल जाएंगी। ये इसलिए बहुत ज़रूरी है, और ये यहीं तक निकलेंगी, ये जो आपकी डट का निशान है यहीं तक ये डट निकलेगी। अब जितने हमने ये निकाली है तो उतना ही हम, ये देखिए आधा इंच हमने निकाला है तो आधा इंच ही हम इसको मुड्ढे को यहाँ से नीचे काटेंगे। अब ये यहाँ से सवा इंच लेके चलिए आप, उसका ये फ़ायदा, ये सवा इंच हम क्यों लेके चलते हैं, वो इसलिए लेके चलते हैं कि यहाँ से भी सिलाई में दबेगा और इधर से भी सिलाई में दबेगा, और एक आध सूत हम ज़्यादा लेके चलते हैं। ये हमारा ये मुड्ढा हो गया, ये हमारा मुड्ढा हो गया, ये हमारा मुड्ढा हो गया। अब हम साइड के निशान लगा लेते हैं, और ये हमारा साइड का हो गया, और ये हमारा ये निशान हो गया। अब ये देख लीजिए कि ये आपका चाक का निशान कहाँ आ रहा है, ये और ये, अब यहाँ से आप पौने दो रखिए और यहाँ से आप सवा दो रखिए, ये आपका, आप यहाँ से ढाई भी रख सकते हैं, यहाँ से दो भी रख सकते हैं, लेकिन कम से कम इतना तो आप रखिए जितना मैंने रखा है, यहाँ से पौने दो, यहाँ से सवा दो, ये आपका चाक हो गया है। मेरे ख्याल से मैंने एक एक पॉइंट बहुत आसानी से समझाया है। अब मैं इसको काट देता हूँ, ये जो है ये देखिए, ये निशान हम लगाना भूल गए, ये निशान हमारा ये निशान अब नहीं है। अब मैं इसको काट देता हूँ, काटने से पहले आप एक बार फिर दोबारा चेक कर लीजिए कि आपका कोई निशान आप भूल तो नहीं रहे हैं, कोई आपकी चीज़ रह तो नहीं गई है। एक बार चेक कर लीजिए, वॉलेट का निशान हो गया, जेब का निशान हो गया, फ्लैप का निशान हो गया, ये डट का निशान हो गया, ये डट का निशान हो गया, ये हमने पेट की डट निकाली तो उतना नीचे डाउन कर लिया, ये हमारा मुड्ढा कंप्लीट हो गया, ये हमारा चाक कंप्लीट हो गया, ये हमारे दोनों बटन काज के निशान कंप्लीट हो गए, ये हमारी ये राउंड कंप्लीट होगी, हमारे नपेल कंप्लीट होगी, ये हमारा फाइनल नपेल का निशान कंप्लीट हो गया। ऐसे आपको चेक करना है, उसके बाद आपने कटिंग करनी है। अब ये सब कुछ कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको काट देता हूँ। यहाँ से आप देखिए, बहुत लोग दबाव नहीं रखते हैं, यहाँ लोग दबाव नहीं रखते हैं क्योंकि दिक्कत होती होगी उनको, लेकिन दबाव ज़रूर रखना चाहिए। हो सकता है कल को तख्ती लूज़ करनी पड़ जाए, तो आपको दबाव तो रखना पड़ेगा ना, लेना पड़ेगा। अगर ये दबाव नहीं लेंगे और तख्ती आपको लूज़ करनी पड़ जाए, कस्टमर मोटा हो जाए और वो एक उसको यहाँ से तख्ती से टाइट पड़े, तो आप क्या करेंगे? तो इसलिए यहाँ से ये दबाव कटिंग में आप यहाँ तक ले सकते हैं, यहाँ तक ले लीजिए बस।
ये आपका ये कट गया और ये आधा इंच नीचे से आप ले लीजिए और ये जहां भी आप दबाव रखेंगे, ये देखिए मैं दबाव रख के काट रहा हूं और थोड़ा सा ऊपर से काटिए इसको, यहां भी आप दबाव रखेंगे तो मान लो कस्टमर को अगर हाथ ऐसे करने में टाइट पड़ता है तो वो कभी भी इसको लूज करा सकता है। यहां से दबाव रखेंगे तो आप लूज कर सकते हैं। और ये आप इतना दबाव साइड में रखिए ये आपका ये कंप्लीट आपका कट गया है, ये आपका कंप्लीट कोट कट गया है। अब मैं इसकी बाजू काट रहा हूं, ये बाजू के लिए हमने पीस ले लिया। यह एक दो सूत पे ऊपर निशान लगाइए। अब इसकी बाजू थी 24 इंच लंबाई, अब इसकी 24 इंच बाजू लंबाई है तो हम पौना इंच ज्यादा काटेंगे, ये हम पौने 25 इंच, ये पौने 25 इंच बाजू काटेंगे। और जो हमारा गोले का बैक साइड का घेराव होता है वो हम करीब 2.5 इंच रखेंगे, ये 2.5 इंच। और हमारा छाती का 1/6 छठा हिस्सा हम मुड्ढे की गोले की का मुड्ढा रखेंगे, तो छाती 40 है तो इसका 1/6 कितना हो गया, करीब 7 से 1.5 सूत कम, ये आपका गोले का मुड्ढा हो गया, मुड्ढे का निशान हो गया। ये आप पहले ये निशान उठा लेते हैं, अब यहां से एक आधा इंच पे निशान लगा लीजिए सीधा, उससे हमारी हमें पूरी बाजू का मेजरमेंट करने में मदद मिलेगी। ये हमने एक सीधा निशान नीचे तक लगा लीजिए, ये हो गया हमारा। अब यहां से 1.5 इंच, ये 1.5 इंच पे एक निशान लगाइए, यहां से भी 1.5 इंच पे एक निशान लगाइए और ये सेब पट्टी से ये ज्यादा सेब भी नहीं होनी चाहिए, यहां से ये निशान लगाइए और एक इस निशान से एज इट इज ये निशान लगाइए। हमारी छाती है 40 इंच, 40 का 1/4 कितना हो गया 10 इंच, लेकिन अगर हम पूरा 10 इंच रखते हैं गोला तो ये लूज रहेगा, तो हम इसको कम करते हैं, छोटे साइज होते हैं उसमें कम करते हैं, ज़्यादा बड़े साइज होते हैं उसमें हम 1 इंच कम करते हैं, कम सब में करना चाहिए। ये हमने 9 इंच, ये 9 इंच ले लिया हमने, ये हमारा गोला हो गया, 4.5 इंच इसका सेंटर हो गया। अब ये देख लीजिए ये कितना है 6.5, तो ये 6.5 पे ही एक ये निशान लगा लीजिए, इसका गोले का सेंटर हो जाएगा और इसको ये सीधा कर लीजिए। बिल्कुल आराम से मैं बता रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूँ, आराम से बता रहा हूँ। ये हो गया। अब बाजू की मोहरी हमने कितनी रखनी है, इसको आधा इंच ऊपर लेंगे, ये आधा इंच ऊपर लेंगे और यहाँ से हमने मोहरी रखनी है, 40 छाती है तो 7 इंच हम रखेंगे, ये हमारे ये निशान हो गया और ये इसका दबाओ बाजू का।
ये हमारी बाजू होगी। अब इससे इस निशान से इस बाजू को यहाँ इस निशान से थोड़ा इधर रखिए ताकि आपको आसानी से शेप मिल जाए। अगर इस निशान पे ऐसे शेप लेंगे तो आपकी बाजू लूज पड़ सकती है। थोड़ा सा हटा के तब ये निशान लगाइए आधा, और उसके बाद ये अब ये देखिए अब ये निशान आप पूरा लगा सकते हैं। अब थोड़ा सा और ऊपर उठा के ये आप ऊपर तक ये कंप्लीट ये निशान लगा लीजिए। ये तीन बार करके मैंने निशान लगाया है, एक बार यहाँ तक, ये थोड़ा सा हटा के निशान लगाया यहाँ तक, और उसके बाद ये नीचे ले जाके यहाँ तक लगाया, और उसके बाद ये निशान ऊपर तक लगाया। ये तीन बार करके मैंने निशान लगाया है, ये दो बार में भी लग सकता है, यहाँ तक तो एक बार लगाइए। ये आपको थोड़ा टेढ़ा नज़र आ रहा होगा, ये गत्ता फूलने की वजह से आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से गत्ता फूला हुआ है, इसलिए नज़र आ रहा है आपको। अब यहाँ से इसको ये इसको मिला दीजिए और इसको इस निशान को यहाँ से ये मिला दीजिए। अब आपकी ये शेप बनेगी, इसका ये देख लीजिए इसका सेंटर क्या है। ये पौने पाँच इंच है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक सेंटर तक पौने पाँच का हाफ कितना हो गया आपका, सवा दो एक सूत, ये सवा दो एक सूत ये हो गया इसका सेंटर। और ये इस निशान से यहाँ से आप करीब डेढ़ इंच एक निशान लगाइए, यहाँ से हमारी गोलाई बनेगी। अब यहाँ से आप ये ऐसे पहले ये गोलाई बना लीजिए, यहाँ से पौना इंच, ये पौना इंच, आधा इंच ले सकते हैं आप, ये आधा इंच की गोलाई और ये डेढ़ इंच की गोलाई। अब ये आप आसानी से बनाने के लिए थोड़ी थोड़ी गोलाई बनाइए। आपके पास अगर इसका इसकी शेप पट्टी हो, गोले की शेप पट्टी हो, तो आप गोले की शेप पट्टी से लगाइए। अगर नहीं है तो आप थोड़ी थोड़ी करके गोलाई लगाइए। यहाँ से इस निशान से पहले ये गोलाई बना लीजिए और छोटे छोटे निशान लगाइए, ये गोलाई आपकी होगी, ये इतनी गोलाई होगी। अब यहाँ से आप ये जो डेढ़ इंच का निशान लगाया इस गोलाई को आप मिला दीजिए। ये बिल्कुल हल्के हल्के निशान आप लगाएंगे ऐसे, तो आपकी गोलाई आराम से बढ़िया आएगी। ये देखिए ये गोलाई बन गई। अब यहाँ से इसको मिला दीजिए। देखिए मैं तीन बार करके आपको गोलाई बता रहा हूँ, आसानी के लिए बता रहा हूँ। एक बार में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन आप एक्सपर्ट हैं तो एक बार में लगाइए, नहीं तो आप ये पहले ये गोलाई कर लीजिए, उसके बाद इस निशान से ये गोलाई कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से यहाँ ज़्यादा खड्डा नहीं देना है, यहाँ से ये आप ये गोलाई कर सकते हैं। ये देखिए ये आपकी गोलाई होगी। अब ये आपने हल्के हल्के निशान लगाए, अब आप इसको कंप्लीट निशान लगा सकते हैं। ये आपकी गोलाई आ रही है। इसमें आपको कहीं कोई तार बाहर दिखता है या कोई गड़बड़ दिखती है तो आप दोबारा उसको ठीक कर लीजिए। जैसे यहाँ से ये गोलाई थोड़ी सी ऊपर निकल गई है तो हम इसको यहाँ से ठीक कर लेते हैं। ये हो गई हमारी ठीक, ये बाहर निकल गई थी, ये हमारी ठीक हो गई है। अब मैं इसको काट देता हूँ।
अब ये कितनी शानदार गोला बन गया है, बहुत बढ़िया गोलाई बन गई है। आप इस साइड से करके देखेंगे तो आपको पूरी अच्छी गोलाई दिख जाएगी। अगर आपकी गोलाई में कोई कमी है तो आप इसको ठीक कर सकते हैं। जहाँ भी आपको कुछ दिखे, कोई तार बाहर दिखे, तो आप उसको जैसे काट सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। ये आपका गोला हो गया। अब हम इसका ताल काटेंगे। और इसको हम इसके बराबर काट लेंगे पहले। ये निशान उठा लेंगे, ये निशान ले लिया हमने, ये ले लिया, और यहां से ये ले लिया। अब ये जो हमारा निशान है, ये जो हमारा निशान है, इसको हम यहां ले आएंगे। ये देख लीजिए, निशान मिलना चाहिए, ये यहां ले आएंगे और इसको ये यहां ले आएंगे, और एक ये निशान यहां से हम इसको पहले काट ही देते हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताऊंगा। ये निशान ले लिया और इसको पहले मैं काट देता हूं, क्योंकि गत्ता है, कपड़ा होता तो मैं निशान लगा देता। ये मैंने काट दिया। अब हम ये निशान उठाएंगे, ये निशान है हमारा और ये निशान है, इधर से हमारा ये निशान लगे हुए हैं। ये निशान हम पहले उठा लेते हैं। ये निशान हो गया। अब हमने इससे ये पौना इंच का, ये देखिए, ये पौना इंच हमने इसमें दबाव देना है। ये पौना इंच पे ये आप निशान लगा लीजिए, ये पौना इंच, और ये पौना इंच, और ये पौना इंच, ये हम पहले निशान उठा लेते हैं। उसी तरीके से उठाना है जिस तरीके से हमने गोले के निशान उठाए थे। ये आपके निशान हो गए। अब ये देख लीजिए कितना है, ये हमारा है 8.5। 8.5 का 1/4 कितना हो गया, 4.75, 2 इंच 1 सूत। ये 2 इंच 1 सूत ये हो गया, और इसका हाफ हो गया 4.25, ये 4.25 हो गया। अब हमने ये एक सीधा निशान लगा लीजिए, ये सीधा निशान हो गया, और यहां से ये, इसको भी आप सीधा कर लीजिए। बिल्कुल आसान तरीका बता रहा हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा हूं, एक एक चीज स्टेप बाय स्टेप आपको समझा रहा हूं। ये 1/4 हिस्सा हो गया, ये टोटल जितना है उसका चौथा हिस्सा हो गया, ये आधा हिस्सा हो गया। अब आधे हिस्से से यहां से हमारी यहां गोलाई मिलेगी, ये आपका ताल आ गया। अब मैं इसको ये काट देता हूं। थोड़ा सा बढ़ा के काट लीजिए,
ताकि बाजू जब आप ये सिलाई लगाएंगे बाजू की तो बाजू आपकी ऊपर नीचे जा सकती है। ये आपका ताल हो गया, ये आपका गोला हो गया। तो दोस्तों ये था कोट कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।